चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो प्रीवियस क्लासेस में से का कोई भी चीज में कोई डाउट है? हम वो एक और बार डिस्कस कर सकते हैं, क्लास विथ क्लास वाला। विथ वाला देखो हाँ क्या हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं। उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि टू टाइप्स का डेटा हो सकते हैं। एक होता है जो एज जैसा होता है, जिसमें पीपल टेंड टू गिव एज लास्ट बर्थडे कि इफ टुमारो आई एम टर्निंग 21, टुडे समवन आस्क्स मी माय एज, मतलब अगर इफ आई एम फिलिंग एन इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म तो आई विल से दैट आई एम 20 इयर्स ओल्ड, क्योंकि मेरे आइडेंटिटी पे अभी भी आई एम 20 इयर्स ओल्ड ऑन 21st August 2021, करेक्ट? सो आई विल से आई एम 20 इयर्स ओल्ड, बट टुमारो आई विल से आई एम 21 इयर्स ओल्ड। तो जब इंश्योरेंस कंपनी अपना डेटा को सेग्रीगेट करते हैं तो उसके पास तो मेरा एज 20 के लिए रिकॉर्डेड है, बट एक्चुअली माई 20 इज इक्विवेलेंट टू 21 ईयर्स ओल्ड, करेक्ट? हाँ, आई एम इक्विवेलेंट टू 21 ईयर्स ओल्ड। तो उस इंश्योरेंस कंपनी के पास अभी ग्रुप ऐसा कुछ अगर है, फोर्टी टू 49, 50 to 59, अगर उसके पास अभी ऐसा एज ग्रुप्स है, तो इसमें ये जो 49 है, दिस कैन एक्सटेंड अप टू 49 इयर्स एंड 364 डेज, मतलब इसका अपर लिमिट इज 49 इयर्स 364 डेज, विच इज इक्विवेलेंट टू 50 ईयर्स, करेक्ट? इट इज इक्विवेलेंट टू 50 ईयर्स। तो इसीलिए इस क्लास को वी कैन मॉडिफाई इट एज 40 to 50 सिमिलर, क्योंकि हम लोग का एम क्या है यहाँ पे, हम लोग का एम दो चीज़ है। एक है कि हम लोग को डेटा और एक्यूरेट बनाना है ताकि हम लोग का जो सर्वे है उसका रिजल्ट्स एक्यूरेट आए, क्योंकि अगर हम लोग किसी का एज अभी 49 और 50 में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाके आप लोग एक्चुअलीज में देखोगे व्हेन यू विल डील विथ लाइफ टेबल्स या एक्चुअल लाइफ में भी जब इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, तो ऑन योर 70th बर्थडे योर प्रीमियम विल चेंज। 69th बर्थडे तक इफ यू आर पेइंग से 20,000 का प्रीमियम, एज सून एज यू टर्न 70, जस्ट नेक्स्ट ईयर में वो 20,000 विल टर्न टू 30,000, विच इज बिकॉज जो 69 टू 70 का ट्रांजिशन है उस एज ग्रुप में आपका जो डेथ रेट है वो बहुत हाई हो जाता है, करेक्ट? तो वो जो डिफरेंस है जस्ट बिटवीन 69 एंड 70, उसको अकाउंट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम लोग का डेटा एक्यूरेट हो। दैट इज वन रीजन, एंड द अदर रीजन वाई वी डू दिस इज टू मेक आर डेटा कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग का जो 49 है और ये जो 50 है, दोनों के बीच में ब्रेक है, वी डू नॉट वॉन्ट दैट ब्रेक। हम लोग को चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट वही चीज हो। तो इसीलिए इधर वी विल चेंज दिस अ लिटिल एंड वी विल चेंज दिस अ लिटिल, और वी विल चेंज इधर ऑफ द टू, दो वैसे कर सकते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके मिलाए या फिर एक को ही पूरा चेंज करके मिलाए, करेक्ट? टू वेज है। तो यहाँ पे हम लोग एज के लिए वी यूज दिस सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन या दिस सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, बट अगर वी आर डीलिंग इन टाइम और वी आर डीलिंग इन लेट्स से वेट और अमाउंट्स, अगर ये सब में हम लोग डील कर रहे हैं तो वी टेंड टू राउंड ऑफ। हम लोग राउंडिंग ऑफ सीखे थे कि 5 के ऊपर एंड 5 राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर एंड 5 के नीचे राउंड ऑफ टू द प्रीवियस नंबर। तो जब हम लोग अगर सेम ग्रुप्स ले, ये पहले बोलो एज वाला क्लियर हुआ कि हम लोग क्यों ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, द लॉजिक बिहाइंड दिस मॉडिफिकेशन। हाँ, हाँ अब देखो अगर ये सेम चीज हम लोग का एज नहीं अमाउंट डिनोट करता, तो मतलब से वी आर कंसिडरिंग 40 to 49 रुपीज। टुडे इफ आई एम गिविंग यू 49.5 रुपीज,
यू विल से दैट मैम गेव मी 50 रुपीज, करेक्ट? इफ आई एम गिविंग यू 49.2 रुपीज, तो यू विल से मैम गेव मी 49 रुपीज, राइट? कभी भी आप 49.2 को 50 तब बोलोगे व्हेन यू आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, लेकिन यहाँ पे वी आर जस्ट कंसिडरिंग राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, तो यू विल से 49.2 के लिए 49 एंड 49.5 के लिए 50, करेक्ट? तो ये जो 49 है इसका अपर लिमिट क्या हो सकता है? 49.499999 एंड ये जो 50 है दिस कैन गो डाउन टिल 49.5, करेक्ट? तो मतलब अगर हम लोग 50 बोल रहे हैं तो वो 49.5 से लेके 50.5 तक, वो जो पूरा 100 पैसा है, वो पूरा 100 पैसा को हम लोग 50 से डिनोट कर रहे हैं, करेक्ट? तो इसीलिए हाउ विल वी मॉडिफाई दिस, 40 को हम लोग 39.5 बना लेंगे एंड 49 को क्या बनाएंगे? 49.5, क्योंकि हमेशा जो अपर लिमिट है, जो एकदम वो पॉइंट है जहाँ पे अपर लिमिट रीच करे, दैट पॉइंट इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस क्लास. मतलब कि 39.5 से 49.5 में 49.5 बस एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग का डेटा टच नहीं करता है. लेट्स से अगर हम लोग का डेटा होता 45 to 50 एंड 50 to 55, तो जो आदमी 50 ईयर्स का होगा वो इसमें आएगा. क्यों? क्योंकि 50 तो दोनों में है, बट हमेशा ये जो 50 होते हैं, जो अपर लिमिट होता है, दैट इज जस्ट द बाउंड्री, उसको हम लोग का डेटा टच नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 49.5 ले रहे हैं क्योंकि हम लोग का लिमिट क्या है? 49.49999. नेक्स्ट वाले को हम लोग बना देंगे 49.5, क्योंकि अब 49.5 इस क्लास में इंक्लूड हो जाएगा, 59.5 एंड देन 59.5 to 69.5. इज इट क्लियर नाउ? आया समझ में कि ये टू टाइप्स का? क्योंकि अमाउंट में यू विल ऑलवेज राउंड ऑफ, एज में यू विल नॉट राउंड ऑफ, यू विल टेंड टू गिव योर एज लास्ट बर्थडे, टाइम में यू विल राउंड ऑफ. और क्या हो सकते हैं? और एग्जाम्पल तो क्या हो सकते हैं? और राउंडिंग ऑफ का, किसी का भी राउंडिंग ऑफ का, या जो एज वाला पार्ट है वो यूजुअली सिर्फ एज में यूज होता है. ऐसा केसेस आई डोंट थिंक हम लोग को और देखने मिलते हैं. लेट्स से किसी का हाइट, इफ यू आर डीलिंग विद समवन्स हाइट, तो एक पर्सन अगर 6 feet 6 inches है तो यू विल से 6 feet, और अगर वो 6 feet 6 inches है तो यू विल से 7 feet, क्योंकि 6 feet 6 inches इज एक्चुअली 6.5 feet, तो उसको यू विल राउंड इट ऑफ टू 7. अब लास्ट टाइम हम लोग जो एक एग्जाम्पल किए थे उसमें ये लिखा था रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड, तो आई थिंक भूमिका ने ये डाउट रेज किया था कि हम लोग नियरेस्ट पाउंड पे ही अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो वाई डू वी नीड टू मॉडिफाई आर लिमिट्स. तो इसका क्या रीजन है? ये वाला जो एग्जाम्पल है 150 to 169 फॉर क्लेम अमाउंट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड, हम लोग रिकॉर्ड करें नियरेस्ट पाउंड में. एक्चुअल जो हो सकते हैं वो तो 169.2 भी हो सकता है, 169.7 भी हो सकता है, हाँ. और हम लोग का एम क्या है? टू एम्स आई सेड, एक तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस वाले को एक बार भूलो. सेकेंड इज कि हम लोग का सर्वे और ज्यादा एक्यूरेट हो, राइट? तो अगर हम लोग अपना सर्वे और ज्यादा एक्यूरेट करने हैं देन वी वॉन्ट टू अवॉइड ऑल राउंडिंग ऑफ का जो भी हुआ है, राउंडिंग ऑफ के कारण जो भी चेंजेस आए वो हम लोग को अवॉइड करना है. तो इसीलिए हम लोग 169 राउंडेड टू द नियरेस्ट पाउंड है, विच मीन्स कि वो 169.1, 169.2, 169.3, 169.4 ये सब को भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग इसके लिमिट को 169.5 तक एक्सटेंड कर लेंगे, करेक्ट? इज इट क्लियर नाउ? बाकी लोग को भी क्लियर है ये चीज? यस मैम. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे. उस दिन हम लोग का मेन हो गया था, हम लोग का मोड हो गया था पूरा.
मीडियन हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालना सीखे थे, बहुत इजी है, 5 मिनट लगेगा बस, जल्दी से वी विल गो थ्रू इट। अच्छा कौन याद दिलाएगा व्हाट इज मीडियन? द मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ अमाउंट व्हेन पुट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इट इज द पोजिशनल एवरेज व्हेन ऑफ द डेटा, कि पोजिशन में कौन सा जो डेटा पॉइंट है वो एकदम मिडिल में लाए करे, दैट इज अ मीडियन। तो जैसे एक बार बस रिवीजन पर्पस के लिए, अगर हम लोग का ये डेटा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है एंड इसमें 6 वैल्यूज है, तो इसका मिडिल मोस्ट विल लाई समवेयर हियर, क्योंकि हम लोग को पूरे डेटा को 2 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट लाई करेगा, हाउ विल वी फाइंड दैट आउट, उसके दोनों साइड का अमाउंट का एवरेज लेके। इसीलिए वी यूज द फॉर्मूला n/2 प्लस हाफ फिथ वैल्यू। ओके, जैसे यहाँ पे n/2 हो जाएगा 3, 3 + 1/2 3.5, 3.5th वैल्यू, मतलब कि थर्ड और फोर्थ वैल्यू के एकदम बीच का वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू विच इज 6 एंड 9 दोनों का एवरेज निकालेंगे एंड दैट विल बी अ मीडियन विच इज 7 एंड 1/2। ओके, अब देखो ये तो हो गया अगर हम लोग को रॉ डेटा दिया हुआ है। इफ आ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला एक बार इसको देखो, इसका मतलब क्या है कि 3 times 1 है, फिर 4 times 2 है, फिर 6 times 3 है, ऐसे ये वाला करेक्ट ये है। दिस इज आर डेटा विच इज पुट इनटू दिस टेबल, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे देखने से जो लास्ट टाइम हम लोग का स्टेम एंड लीफ में जैसे काउंटिंग एरर हो रहा था, यहाँ पे वो काउंटिंग एरर हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में जा डालते हैं सो दैट इट्स इजियर टू रीड। तो इसका मीडियन कहाँ होगा? देर आर टोटल 20 वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग ये 20 कैसे निकालेंगे? सपोज ये सब कुछ नहीं दिया रहता, जस्ट द टेबल वॉज गिवन, हाउ वुड यू नो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स? समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये वाले पूरे का सबमिशन कर देते हम लोग, इससे हम लोग को 20 मिल जाता। हम लोग को क्या चाहिए? n/2 प्लस हाफ इथ वैल्यू, यहाँ पे आर एन इज 20, विच मीन्स हम लोग को 10.5th वैल्यू चाहिए, करेक्ट? अब हम लोग को 10.5th वैल्यू इस टेबल से कहाँ मिलेगा? हम लोग का फर्स्ट 3 वैल्यूज 1 है, फिर उसके बाद और 4 हम लोग का 2 है, तो अभी तक 7 वैल्यूज खत्म हो गया हम लोग का। वी नीड मोर 3 वैल्यूज एंड देन उसके बाद वो वाला टर्म एंड उसके बाद वाले टर्म का एवरेज निकालना है हम लोग को। तो यहाँ तक 7 हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं 3 6 टाइम्स है, तो मतलब हम लोग का जो 10th एंड 11th टर्म है दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं। दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं, विच मीन्स हम लोग का 10th टर्म भी 3 है, 11th टर्म भी 3 है, राइट? एंड दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग का मीडियन हो गया। और यहां से भी हम लोग का क्या आ रहा था जब हम लोग रॉ डेटा में देख रहे थे? ये 3 और ये 3 हम लोग का मीडियन के लिए हम लोग को कंसिडर करना है एंड दोनों का एवरेज 3 आएगा। तो अभी जो हम लोग किए, यहाँ पे तो इतना छोटा नंबर्स था, दैट्स वाई वी कुड से कि ठीक है यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग का 10th वैल्यू आ सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड, इट इज नॉट ईजी टू डील विद बिग नंबर्स यूजिंग दिस मेथड, तो वी यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग सबको पता है, वी हैव डन इट। क्या होता है? एवरी कंजेकेटिव फ्रीक्वेंसी रो का हम लोग एड करते जाते हैं, विच मीन्स कि अगर ये हम लोग का टेबल है, दिस
is showing 0 to 500 and this is showing 500 to 1000. तो यहाँ पे हम लोग का cumulative frequency 17 होगा, which will show all claim amounts up to 1000. मतलब वो 0 से 500 वाला भी होगा और 500 से 1000 वाला भी होगा. तो up to 1000 कितना claim amounts आया, कितना claim amounts up to 1000 value का है, right? यही था cumulative frequency. और वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग देखे 3M, then we saw next level पे 7 हो गया, and then we saw next level पे 13 हो गया, उसके बाद 18 and then 20. ये हो रहा था, ये हम लोग actual में cumulative frequency calculate कर रहे थे. and we saw कि cumulative frequency add करने के बाद ये वाले में 7 to 13, एक row का 7 है, next row में 13 हो गया, which means कि हम लोग का जो 10 और 11 number of data point है, that will lie in this class. करेक्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि इट विल लाई इन दिस क्लास. नाउ तो इस क्लास का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग लेंगे एज द मीडियन. दिस इज व्हाट वी डिड. अभी अब एक ठो स्मॉल सा सम तुम लोग ट्राई करो, ये वाला जल्दी से मेरे को बोलो इसका मीडियन हाइट क्या होगा इन लोग का. इस चीज में तुम लोग को एक और कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पे, अच्छा टेल मी मीडियन क्लास कौन सा होगा, पहले तुम लोग मीडियन क्लास निकालो. 170 to 175. cumulative frequency are 4, 10, 21, 28 and 30, correct? Total number of data points, matlab n is equal to 30, the median is equal to 15.5th value. Ye 15.5th value kisme lie karega? इसमें, क्योंकि यहां तक तो हम लोग का सिर्फ 10 हुआ था, 10 के बाद ही तो 15 आएगा, लेकिन 21 के पहले आएगा, मतलब कि इसमें आएगा. प्लीज ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि पीपल कंसिडर दिस एज द मीडियन क्लास, लेकिन मीडियन क्लास वो होता है जिसमें नेक्स्ट लाइक करते हैं, मतलब 10 है और 21 है, यू नो इन दोनों में से एक होएगा जिसमें 15th वैल्यू लाइक करेगा. बहुत लोगों को लगता है कि 10 वाला जो क्लास है उसमें लाई करेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू. द मीडियन विल लाई इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इज इट क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि दो ऑप्शन हो सकता है मीडियन के लिए. यू नो कि 15.5th वैल्यू हम लोग का मीडियन है, राइट? तो ये तो सब समझ जाएंगे कि या तो 10 वाले में होगा या 21 वाले में होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 15.5 आ रहा है. बट फिर उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग 10 वाले को ले कि 21 वाले को ले. बट लॉजिकली यू सी 10 वाले तक हम लोग का सिर्फ 1, 2, 3 10 स्पेसेस फिल हुए. 15th स्पेस जो है, मतलब 11th स्पेस ही ले लो, जो 11th स्पेस है वो हम लोग का इससे आ रहा है. तो 11th, 12th, 13th, 14th, 15th अप टू द 21st स्पेस इज बीइंग फिल्ड बाय दिस क्लास का एलिमेंट्स. तो इसीलिए द मीडियन विल ऑलवेज लाई इन द अपर वाला क्लास. जो हम लोग का टू ऑप्शन है उसका जो अपर वाला क्लास होगा उसमें लाई करेगा, विच मीन्स 170 टू 175 में लाई करेगा. अब ये तो हम लोग का मीडियन क्लास निकल गया. सबको समझ में आया मीडियन क्लास कैसे निकला? कोई डाउट है मीडियन क्लास निकालने में? नहीं. अब मीडियन क्लास निकल गया 170 टू 175 सेंटीमीटर के बीच में है हम लोग का मीडियन हाइट. बट एग्जैक्ट मीडियन हाइट क्या है ये कैसे निकालेंगे? दिस इज समथिंग कॉल्ड इंटरपोलेशन एक्चुअलीज में. एंड आगे जाके आप लोग जो भी कोर्स करोगे, बीकॉम, सीए, कुछ भी फाइनेंस के वर्ल्ड में आप लोग स्टडी करोगे, उसमें इंटरपोलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज नथिंग, लॉजिक है. 170 टू 175 के बीच में देर आर
5 सेंटीमीटर्स लाइक कर रहे हैं। अब 5 सेंटीमीटर्स लाई कर रहे हैं, तो देखो हम लोग का मीडियन लाई करता है 15.5 वैल्यू पे हम लोग का मीडियन लाई करते हैं, और हम लोग का स्टार्ट हो रहा है ये वाला क्लास 11th वैल्यू से, और एंड हो रहा है 21st वैल्यू पे, करेक्ट? अब देखो आई विल शो यू ऑल विद एन एग्जाम्पल, तो इट विल बी इजियर। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मीडियन क्लास होगा हम लोग का टोटल में, दिस इज अ मीडियन क्लास, 1000 to 1500, ठीक है? मीडियन क्लास यही है, मेंटल मैथ्स से हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब मीडियन क्लास तो 1000 to 1500 के बीच में रेंज करे, इसमें से मीडियन कौन सा आएगा? ये 1000 से 1500 के बीच में देर इज 500 pounds, एंड वो 500 pounds के रेंज में खाली 49 वैल्यूज है, करेक्ट? 49 वैल्यूज है इन द 1000 to 1500 ग्रुप। अब देखो वी आर अज्यूमिंग, ये याद रखना, इंटरपोलेशन आपको कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। इंटरपोलेशन इज अ मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन, तो इसीलिए यू हैव टू अज्यूम समथिंग बिकॉज यू आर अप्रोक्सीमेटिंग इट। वी अज्यूम दैट ऑल ऑफ द 49 वैल्यूज इन दिस ग्रुप आर स्प्रेड आउट इवनली, मतलब कि अगर ये 0 है और ये 500 है, इतना सारा ऑप्शन है। जैसे एक स्केल होता है, एक स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और फिर 2 सेंटीमीटर होता है, उसके बीच में एमएम का सारा लाइंस होता है, तो क्या होता है, एमएम एकदम इवनली 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में, सबको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो वो जो 10 लाइंस होते हैं इस पूरे डिस्टेंस में दे आर स्प्रेड आउट इवनली, ऐसे कुछ होता है स्केल में। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो हम लोग का सारा डेटा है दैट इज ऑल्सो स्प्रेड आउट इवनली, तो ये जो 500 का हम लोग के पास रेंज है, जो 49 वैल्यूज है वो इवनली स्प्रेड आउट है, तो यहाँ से 0 to 500 के बीच में देर विल बी 49 लाइन्स, देर विल बी 49 such lines। तो अगर 49 लाइन्स है और हम लोग का जो मीडियन है दैट इज द 33rd वैल्यू, आई थिंक, कितना था मीडियन हम लोग का, एन यहाँ पे 100 है, तो 50.5th वैल्यू होगा हम लोग का मीडियन। 50.5th वैल्यू मीडियन होना चाहिए, ऑल ऑफ अस अग्री ऑन दिस? तो 50.5th वैल्यू अगर होगा तो मतलब हम लोग को अपना 50th वैल्यू चाहिए एंड 50th और 51st वैल्यू चाहिए। तो अब वो 50th और 51st वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग सीखेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। यहां तक हम लोग का 17 वैल्यूज हो चुका है, यहां तक हम लोग का 17 वैल्यूज हो चुका है, एंड देन वी हैव अनदर 49 वैल्यूज। तो ये 49 में से 17 के बाद 50 तक में कितना डिस्टेंस है, कैलकुलेट करो 17 से 50 तक कितना डिस्टेंस है। मतलब कि ये अगर 1000 हम लोग का लास्ट वैल्यू है तो इसके बाद हम लोग को और 33 वैल्यूज चाहिए टिल वी गेट अ 50th टर्म, दैट इज व्हाट वी वांट अ 50th टर्म। तो ये 1000 के बाद और 33 वैल्यूज है, एंड देन वो 33 के बाद वी हैव अनदर एडिशनल 16 वैल्यूज, क्योंकि
अप टू 1500, क्योंकि 1000 से 1500 के बीच में टोटल 49 वैल्यूज है और हम लोग को चाहिए कि 33 वैल्यूज जहां पे खत्म हो रहा है वो पॉइंट हम लोग को चाहिए. तो हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे? वी विल एस्टिमेट कि अगर एक स्केल की तरह यू इमेजिन कि 1000 इज 1 सेंटीमीटर एंड 1500 इज 2 सेंटीमीटर, तो 1/49 सेंटीमीटर के गैप पे एक एक लाइन बनेगा. इतना सबको क्लियर हो रहा है कि 1/49 सेंटीमीटर के गैप पे एक एक लाइन बनेगा. तभी हम लोग के पास 49 लाइन आएंगे बिकॉज 49 डेटा पॉइंट्स है. ये 49 में से कौन सा वैल्यू होगा जो हम लोग का 50th वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? 33rd वैल्यू कैसे आया एक बार समझाओ. अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना कि 50 माइनस 17. क्योंकि यहाँ तक हम लोग का 17 लाइंस हो चुके हैं, यहाँ तक 17 लाइंस खत्म है, वी नीड अनदर 33 लाइंस. तो यहाँ से वी विल काउंट 33 लाइंस टू गेट आर 50th वैल्यू. और फिर इसके बाद में ये जो हम लोग का 50th वैल्यू होगा उसके बाद में और 16 लाइंस होएगा, क्योंकि 33 और 49 के बीच में देर आर मोर 16 टर्म्स. तो यहाँ से वी हैव टू कैलकुलेट 30 लाइंस. अगर यहाँ से जाओ 33 लाइंस, और अगर यहाँ से जाओ तो कितना लाइंस काउंट करना हम लोग को? If we start from 1000, we will have to count 33 lines to get a 50th value. But if we start from 1500, तो हम लोग अपना 33rd value के लिए कितना? 16. Very good. 16 lines हम लोग को count करना है, क्योंकि हम लोग के 50th value के इस तरफ 33 values हैं and इस तरफ 16 values हैं. तो इसलिए हम लोग दोनों side से count करके पहुंच सकते हैं अपने 50th value पे, which means अब ये देखो, ये वाला जो होगा ये 1/49 सेंटीमीटर, 1/49 कर करके 33/49 सेंटीमीटर पे ये लाइन ड्रॉ होगा 50th वैल्यू वाला. 33/49 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ होगा. तो क्या करें हम लोग, 1000 के बाद या फिर 1 सेंटीमीटर के बाद वी आर एडिंग अनदर 33/49 सेंटीमीटर्स टू गेट आर एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग को चाहिए. तो ये जो 33/49 है, दिस इज रेफर्ड टू एज द फ्रैक्शन, ओके, जो हम लोग का लोअर लिमिट है 1000, दैट इज आर लोअर लिमिट. अब 33/49 तो एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर का एग्जाम्पल ले रहे थे इसलिए हम लोग को पता था 33/49 ऑफ 1 सेंटीमीटर. लेकिन यही अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में अगर 49 लाइंस बनाते तो हम लोग का था 33/49 ऑफ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप है. तो हम लोग 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 49 लाइंस बना रहे हैं. सिंपल रेशियो है कि हम लोग कितना डिस्टेंस को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर को 49 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे थे. सिमिलरली अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में अगर 49 सेगमेंट्स बनाते तो वी वुड बी डिवाइडिंग 3 सेंटीमीटर्स इनटू 49 सेगमेंट्स, करेक्ट? तो ये जो 33/49 होता उसको हम लोग को इनटू 3 करना होता to get the actual distance in centimeters, हाँ? तो वो 3 centimeter actually क्या है? 1500 minus 1000, 1500 minus 1000 ही हो गया हम लोग का जो भी distance हम लोग cover कर रहे हैं, which is 500, which is the class width. ऐसे निकालते class width, upper limit minus lower limit. मेरे को खाली पार्थ का सर हिलते हुए दिख रहा है, बाकी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो ताकि मेरे को पता रहे कि
आप लोग को कितना समझ में आ रहा है और मेरे को क्या चीज रिपीट करना है। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, ऑन करो जल्दी से कैमरा। प्रियांशु आप भी ऑन करो। ठीक है छोड़ो। तो मतलब कि हम लोग को यहाँ पे ये 33/49 को × 500 करना होगा टू गेट द वैल्यू जो हम लोग को चाहिए यहाँ पे। एंड इससे तो हम लोग को सिर्फ ये पॉइंट मिला, ये 1000 तो हम लोग को अभी ऐड करना बाकी है, तो इसमें फिर हम लोग 1000 ऐड कर देंगे। तो अब ये फॉर्मूला देखो, मीडियन इज इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप, मतलब कि हम लोग का लोअर लिमिट, प्लस हम लोग का जो फ्रैक्शन आया है, इनटू द क्लास विथ। तो फ्रैक्शन इनटू क्लास विथ से हम लोग को मिला कि कितना डिस्टेंस उस क्लास में कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस क्लास। और फिर इस क्लास, ये क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू हम लोग को ऐड करना होगा इसमें। स्केल यहाँ पे भी यहाँ पे तो स्केल नहीं है, लेकिन अगर एक स्केल होता सपोज। ये सब सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स होते हैं, हाँ, एंड इसके बीच में मिलीमीटर का लाइंस होता है, 10 10 लाइंस बिटवीन ईच। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हम लोग 1 से 4 के बीच में 49 सेगमेंट्स बना रहे हैं, या फिर मान लो 1 से 4 के बीच में एक्चुअल में कितना सेगमेंट्स होता है मिलीमीटर का, 30 30 सेगमेंट्स होते हैं 1 से 4 के बीच में, देर आर 30 सेगमेंट्स। साइमल्टेनियसली आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल जो हम लोग किए, हम लोग का स्केल वेंट फ्रॉम से 0 1000 1500। हम लोग का स्केल ऐसा दिख रहा है उस एग्जाम्पल में, 0 से हम लोग का डेटा स्टार्ट हुआ है और हम लोग अभी 1000 से 1500 वाले पार्ट का ग्रुप देख रहे हैं। दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 49 सेगमेंट्स, 1000 से 1500 49 है, यहाँ पे 1 से 4 30 सेगमेंट्स है, करेक्ट। तो जब 30 सेगमेंट्स है, हम लोग को सपोज आई से कि मेरे को ये 30 सेगमेंट्स में से 20th सेगमेंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 20th सेगमेंट पे लाया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 ऐसे ही डिवाइडेड है, तो ये 3 पे लाई करेगा। कैसे निकाले हम लोग, 20/30 पहले किए, और फिर उसके बाद हम लोग देखे, हम लोग का 30 सेगमेंट्स में से हम लोग को पहले 20 सेगमेंट्स देखना है, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो टू सेंटीमीटर आया। ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से है, 1 से, जहाँ से हम लोग का सेगमेंट्स हम लोग काउंट करना स्टार्ट किए। बट एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर थोड़ी है, 3 सेंटीमीटर है। तो वो 3 कैसे आएगा, जब हम लोग ये 2 में अपना लोअर लिमिट विच इज 1, इस 1 को जब हम लोग ये 2 में ऐड करेंगे तब हम लोग का एक्चुअल वैल्यू आएगा 3 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली ये वाले हम लोग का जो सम है उसमें हम लोग 1000 से 1500 देख रहे हैं, हम लोग को 33rd वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग करेंगे 33/49 × 500।
एंड फिर हम लोग उसमें एक तो 1000 ऐड करेंगे टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, और इससे हम लोग का मीडियन आ जाएगा, इससे हम लोग का 50th वैल्यू आएगा. सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर 51st वैल्यू, या फिर यू कैन स्ट्रेट अवे टेक दिस इज 33.5, क्योंकि वो 33rd सेगमेंट और 34th सेगमेंट ही तो है ना हम लोग का. 33rd सेगमेंट 50th वैल्यू होगा, 34th सेगमेंट 51st वैल्यू होगा, तो 50.5th वैल्यू विल बी आर 33.5th सेगमेंट. सिंपल फ्रैक्शंस. तो अब मेरे को बोलो सब लोग कि क्या ये इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन. कभी भी आप लोग को अगर कोई टू वैल्यूज दे देगा और पूछेगा कि ये वैल्यू कहाँ लाए कर रहे हैं, तो आपको अज्यूम करना होगा कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा वैल्यूज, एंड फिर ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के वो निकालना होगा. ये क्लियर है सबको? हाँ बाकी लोग ठीक है? प्रियांशु, भूमिका, अभिषेक, यू ऑल वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? नहीं, क्लियर है? ठीक मैम, है. हाँ, ये थर्ड में 5 का गैप क्यों है? 3rd में 5 का गैप क्यों है? 172 to 175 है ना, हाँ, तो कितना सेंटीमीटर का गैप हुआ? ऊपर में 162 to 170 10 हुआ ना। हाँ, तो ओ यू है, आप पहले का क्लासेस नहीं देखे हो ना स्टेटिस्टिक्स का? ठीक है, व्हेन यू विल सी आपको क्लियर हो जाएगा. ये हम लोग के मन पे, हम लोग का मन है, लेट्स से अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत छोटा छोटा क्लेम्स आएगा. इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है कि एकदम छोटा छोटा अमाउंट का हो. से अगर कोई घर का इंश्योरेंस है तो 1000 रुपया का या 2000 का क्लेम इतना बड़ा चीज नहीं है. बहुत कम क्लेम्स होगा जो 1000 या 2000 रुपया का आएगा. सिमिलरली ऐसा बहुत कम क्लेम्स होएगा जो बहुत हाई अमाउंट का आएगा, जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़, इतना का क्लेम बहुत कम जन का आएगा. हाँ, तो एक इंश्योरेंस कंपनी, और लेकिन जो बीच वाला पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्लेम्स आते हैं, वो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत होगा. मतलब कि आप देख सकते हो कि 0 से लेके 2000 तक सपोज बहुत कम क्लेम्स आ रहे हैं. तो हम लोग ये क्लास का डिवीजन क्यों करते हैं? वी डिवाइड दीज क्लासेस फॉर आर कन्वीनियंस. वी डिवाइड दीज क्लासेस फॉर आर कन्वीनियंस. तो हम लोग क्यों, जब हम लोग को पता है कि 0 से 2000 के बीच में जब टोटल में ही हो सकते हैं खाली 2 या 3 क्लेम आए, तो हम लोग एक क्लास पहले बनाएंगे 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 1000. हम लोग 4 क्लास बनाएंगे लेकिन उनमें वैल्यूज बहुत कम कम होगा. तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, एक क्लास सीधा 0 to 2000 का ही बना लेंगे. फिर 2000 के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब 2000 to 2500 के बीच में ही लेट्स से 10 क्लेम्स आ रहे हैं, फिर 2500 to 3000 के बीच में 8 क्लेम्स आ रहे हैं. तो ऐसे करते करते, तो अगर हम लोग इतना बड़ा ले लेंगे 2000 से लेके लेट्स से 10000 तक का एक क्लास बना लेंगे अगर, या 2000 से 4000 तक का क्लास बना लेंगे अगर हम लोग को विथ सेम रखना है, तो 2000 से 4000 बनाना आएगा. तो हम लोग 2000 से 4000 के बीच में वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू का क्लेम आ रहा है ना, वी डोंट नो. बट यही तो हम लोग का काम है. हम लोग का इंश्योरेंस कंपनी में काम क्या है कि हम लोग को देखना है कि क्या क्लेम अमाउंट आ रहा है. तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वहां पे हम लोग छोटा क्लासेस रखेंगे, छोटा क्लास रखेंगे ताकि हम लोग और ज्यादा क्लेम्स को मॉनिटर कर पाए. मतलब हम लोग को पता है कि वो 2000 to 4000 के बीच में 2000 का डिफरेंस हो गया, लेकिन अगर हम लोग 500 का डिफरेंस रखेंगे तो वी विल नो कि सिर्फ इतने से ग्रुप में कितना क्लेम्स आ रहा है. तो इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि हम लोग अकॉर्डिंग टू आर इम्पोर्टेंस वी विल डिसाइड हम लोग को कितना का क्लास रखना है. जो पार्ट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें छोटा छोटा क्लास रखेंगे, और जो पार्ट्स कम इम्पोर्टेंट है उसमें ज्यादा बड़ा क्लास रखेंगे. समझ आ रहा है? यस मैम, ठीक है, इसीलिए क्लास विथ डिफरेंट हो सकते हैं, क्लास विथ डिफरेंट हो सकते हैं. यहाँ पे 10 है, 10 है, यहाँ पे देखो इसी सब में देखो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का गैप है, फिर भी खाली 4 जने इस हाइट के, क्योंकि
छोटे हाइट के लोग होते हैं, बड़े हाइट के लोग होते हैं, लेकिन एक टाइप का, एक रेंज ऑफ हाइट होते हैं जिसमें मैक्सिमम पीपल लाइक करते हैं. एक्सट्रीम्स तो हमेशा कम ही होंगे, एक्सट्रीम कोई भी चीज में हमेशा कम होंगे, बीच के तरफ में ज्यादा वैल्यूज ही लाइक करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक ग्रुप ले रहे हैं, तो भी सिर्फ 4 जन लाइक कर रहे हैं उसमें, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 सेंटीमीटर का रेंज ले रहे हैं, फिर भी उसमें 11 पीपल आर लाइंग, विच मीन्स कि ये वाला जो ग्रुप है हम लोग का, बहुत सारे जन है जो एवरेज पे यही हाइट रहते हैं, करेक्ट? तो इसीलिए हम लोग क्लास विद डिफरेंट ले लेते हैं. ओके और कुछ किसी को? ठीक है चलो. अब एक चीज देखो, एक तो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा में लेट्स से वी आर कंसिडरिंग अ कंपनी का वेजेस. ठीक है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या वेजेस दे रहा है, अपने वर्कर्स को क्या वेजेस दे रहा है, अगर हम लोग वो देख रहे हैं. चार एम्प्लॉय, चार वर्कर है, उनका ऐसा ऐसा वेजेस है. कंपनी को लगा कि अब इतना इन्फ्लेशन हो गया है और सब हो गया, तो इसलिए वी नीड टू इंक्रीज देयर वेजेस. ओके, अगर वो, उसको लगा वी नीड टू इंक्रीज देयर वेजेस, और वो बोला कि चलो हम लोग सबका वेजेस को ट्रिपल कर देते हैं टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन. बहुत टाइम हो गया वी हैवंट इंक्रीज द वेजेस, तो इसीलिए हम लोग अब सबका वेजेस को इंटू 3 कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, 30, 60, 120, करेक्ट? इंटू 3 करने के बाद भी कंपनी को लगते हैं कि थोड़ा सा हम लोग को और इंक्रीज करना है, लेकिन हम लोग को इंटू समथिंग नहीं करना है. लेट्स से हम लोग को बस अब सबको एक्स्ट्रा 10 रुपीज दे देना है. ठीक है, ओवर एंड अबव ये 3 टाइम्स द वेज, वी जस्ट वॉन्ट टू गिव 10 रुपीज मोर. लेट्स से कोई सपोज वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन के लिए सबको 10 रुपया लगेगा, इररिस्पेक्टिव उनका वेज क्या है. बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं स्मॉल वैल्यूज के साथ, तो किसी का भी क्या वेज हो डजंट मैटर. लेकिन अगर वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आई वांट ऑल माय वर्कर्स टू बी वैक्सीनेटेड, सो आई गिव ऑल ऑफ देम 10 रुपीज टू पे फॉर देयर वैक्सीनेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 40, 70, ये हो जाएगा वेजेस. अब व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, मेरे को ये तीनों का मीन निकाल के दो, तीनों कैटेगरीज का. अगर ओरिजिनल वेज का मीन क्या था, फिर अगर हम लोग सिर्फ इनटू 3 करते हैं तो मीन क्या हो जाता है, और अगर सबको एक्स्ट्रा 10 रुपीज देते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो मीन क्या हो जाता है. फर्स्ट का 28.75. रुक जा, मुझे भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, फिफ्टी टू पॉइंट सेवन फाइव होगा. नहीं मैम, 86.25. वो इनटू 3 हो जाएगा ये. और नेक्स्ट वाले का 96.25. अब देखो, हम लोग जैसे ही अपने सारे डेटा को एक चीज से स्केल अप किए, एक फैक्टर से स्केल अप किए, विच मींस We multiplied our data with something, तो हम लोग का मीन भी उसी फैक्टर से स्केल अप हो गया. 28.75 into 3 करके देख लो, 86.25 आएगा. क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल डेटा पॉइंट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का जो मीन है, मीन वेजेस जो है,
वो भी हम लोग का इंटू थ्री हो जाएगा वहीं पे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं. तो अगेन इट इज अनदर फॉर्म ऑफ स्केलिंग अप ओनली. दिस टाइम वी आर नॉट स्केलिंग अप बाय अ फैक्टर, मतलब वी आर नॉट स्केलिंग अप मल्टीप्लिकेटिवली, वी आर स्केलिंग अप एडिटिवली. बोल सकते हैं इसे, इवन दो मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इवन इफ वी आर एडिंग समथिंग, बट ये याद रखना एडिंग द सेम अमाउंट टू एवरी सिंगल डेटा पॉइंट. हम लोग यहाँ पे हर सिंगल डेटा पॉइंट में सेम चेंज कर रहे हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग द केस कि हम लोग खाली ये टू एम्प्लॉयज का बढ़ाए और ये दोनों का नहीं बढ़ाए, या ये टू एम्प्लॉयज का ज्यादा से बढ़ाए इनका कम से बढ़ाए. नो, वी आर जस्ट कंसिडरिंग सेम चेंजेस, अ मोनोटोनिक चेंज इन एवरी सिंगल डेटा पॉइंट. तो जब हम लोग 10 से बढ़ाए, हम लोग का मीन 10 से बढ़ गया. तो इसका मतलब क्या है कि मीन इज अफेक्टेड बोथ बाय मल्टीप्लाइंग डेटा पॉइंट्स विद अ फैक्टर एंड बाय एडिंग अ फैक्टर टू द डेटा. ठीक है, आगे जाके हम लोग जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरियंस करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट चेंजेस आएगा, वो हम लोग जब तब करेंगे. देन यू ऑल विल ओनली टेल मी कि ये किस टाइप का चेंज से अफेक्ट होता है एंड किस टाइप का चेंज से अफेक्ट नहीं होता है. यहाँ पे जो मीन है ये दोनों टाइप का चेंजेस से अफेक्ट हो रहे हैं. तो ये वाला है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल डेटा है वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट डेटा इनटू अ न्यू डेटा एंड वी आर सीइंग हाउ द मीन इज चेंजिंग विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब एक दो ठो सम्स करो. लिखो the average marks obtained in an examination by two groups of students was found to be 68 and 73 respectively. The average marks of all the students was 70. The percentage of all students belonging to group 1 is ऑप्शंस लिखो, ए 50, बी 45, सी 55 एंड डी 60. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. हाँ, the average marks obtained in an examination by two groups of students was found to be 68 and 73 respectively. The average marks of all the students was 70. Percentage of students belonging to group 1 is यहाँ पे लिखा हुआ है. दो ग्रुप है, पहला ग्रुप का एवरेज इतना, सेकंड ग्रुप का इतना, टोटल का एवरेज इतना. अब कितने जन ग्रुप वन में तुमको निकालना है.
ठीक है प्रियांशु, देखते हैं एक दो जन को और आंसर करने दो। मुझे नहीं समझा फर्स्ट वाला। बाकी लोग ट्राई करें कि हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें। विल स्टार्ट डिस्कसिंग। चलो, क्या बोल रहे समय? समय बोल रहे हैं कि दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, लेट्स इसमें N1 है, N2 है। N1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में है, N2 ग्रुप 2 में है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 प्लस N2, राइट? N1 का एवरेज इज 68, N2 का एवरेज इज 73। तो मतलब कि 68 इज एक्चुअली सिग्मा ऑफ X1। अगर X1 ग्रुप 1 के सारे मार्क्स का है, ग्रुप 1 के हर स्टूडेंट का मार्क्स है, ये होगा 73। क्या होगा? सिग्मा X2 बाय N2। अब क्या इन लोग बोल रहे हैं कि टोटल ग्रुप का एवरेज है 70, विच मीन्स कि सिग्मा X1 होगा प्लस सिग्मा X2 होगा। ये सारे स्टूडेंट्स का मिला के एवरेज है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास सबका मिला के। X1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप का सबको ऐड करेंगे और उसमें सेकंड ग्रुप का भी सबको ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का पूरा बिग ग्रुप का टोटल मार्क्स हुआ। डिवाइड किससे होएगा? N1 प्लस N2। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं। बोले दिस इज इक्वल टू 70, राइट? तो लेट से हम लोग को परसेंटेज मांगा है, इसका मतलब कि हम लोग अज्यूम करेंगे टोटल में 100 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग को आउट ऑफ 100 ही पूछा है ना कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो इतने जन N1 में होंगे और इतने जन N2 में होंगे। तो इसीलिए N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 100। तो सिग्मा X1 प्लस सिग्मा X2 7000। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। सिग्मा X1 क्या है? 68 N1 एंड सिग्मा X2 इज 73 N2। इसका मतलब 68 N1 प्लस 73 N2 इज इक्वल टू 7000।
करेक्ट, एंड एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू 100. साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया एन वन और एन टू के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया. सॉल्व करो उसको सब. चलो बहुत इजी सा है. N140 और N260, N160 N240. 160 एंड 240. हाँ ओ एन 160 और एन N1 240. हाँ मेरे को 160 और 240 सुनाई. ठीक नहीं. है, तो आया एन 160 और एन 240, विच मीन्स कि ग्रुप वन में 60% स्टूडेंट्स है, क्योंकि 60 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ग्रुप वन में, एंड बाकी 40 आउट ऑफ 100, विच मीन्स 60% आया सबका. प्रियांशु वेरी गुड. आप यही मेथड यूज किए थे कि कोई और मेथड यूज किए थे? मैम यही मैंने यही बस कंबाइंड मीन फॉर्मूला लगा दिया था. ठीक है, समझ में आया सबको कैसे हुआ ये? कोई डाउट? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. हाँ ऑप्शन बी. डी. डी फॉर दिल्ली. नहीं, बी फॉर बॉय. बी फॉर बॉल. ठीक है.
कैसे किया भूमिका बोलो। मैम मीन दिया हुआ है हम लोग को, तो उससे पी का वैल्यू निकल गया, पी इज इक्वल टू 9, और फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड 7 है। रुक जाओ रुक जाओ, पहले बोलो पी का 9 कैसे आया। समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। 123 प्लस 16 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 7p वन प्लस 4 5 7 12 18 21 22, ये आ रहा है भूमिका। हाँ मैम। ये दिया है कि इक्वल टू 6 होगा। सबका आया यहां तक? हाँ, पी का वैल्यू आ गया सबका 9। हाँ। अब देखो इसको 9 लिख दो तो मोड क्या हो गया, 7 हो गया। नेचुरली मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, विच मीन 7 इज आर मोड, तो ये ऑप्शंस तो गया। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालते हैं मीडियन के लिए, टोटल टर्म्स क्या रखा है, टोटल टर्म्स। तो ठीक है, आज ही हम लोग किससे क्लास स्टार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 5 1 5 12 18 27 यही आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा, ये होगा 31/2 प्लस हाफिथ क्या होगा, 18, 18 वाला होगा ये वाला। six. पॉइंट क्या आएगा, 16th पॉइंट, 16th इन दोनों के बीच में लाया करेगा, तो ये वाला क्लास, विच मींस कि मीडियन हम लोग का होगा 6, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन में? Anyone has any doubt? ठीक है, अब जल्दी से बस एक तो लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होता है कि हम लोग का डेटा कितना सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जैसे हम लोग अभी इंश्योरेंस अमाउंट्स का, इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट्स का बात कर रहे थे, दोनों साइड के एक्सट्रीम में बहुत कम वैल्यूज एंड बीच की तरफ पे ज्यादा वैल्यूज, विच मींस अगर हम लोग याद है फर्स्ट स्टेटिस्टिक्स क्लास में डॉट प्लॉट किए थे, क्या करते थे हम लोग, ऐसा कुछ बनता था डॉट प्लॉट जिसमें हम लोग एक के ऊपर एक डॉट डालते रहते थे फॉर एवरी डेटा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सट्रीम वैल्यूज में बहुत कम ऑब्जर्वेशन है, बट जो बीच का वैल्यू है उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स द मिडिल
हम लोग का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स दैट पॉइंट इज बीइंग, दैट वैल्यू इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बढ़ रहा है, राइट? तो दिस डेटा इज परफेक्टली सिमेट्रिकल. देखो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो एकदम ऐसे सिमेट्रिकल आएगा. मेरा सिमेट्री बहुत खराब लग रहा है इसमें, बट ऐसे आएगा जस्ट लाइक दिस वन, 100% सिमेट्रिकल. तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डेटा. अब बहुत सारा डेटा होगा जो कोई एक एक्सट्रीम पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एज एट डेथ देख रहे हैं, अगर एज एट डेथ देख रहे हैं तो मैक्सिमम डेथ थोड़ा लेटर एज ग्रुप्स में होते हैं. इफ वी आर कंसिडरिंग 0 to 100 ईयर्स का अगर हम लोग डेटा देख रहे हैं, पीपल एज्ड फ्रॉम 0 to 100, इससे अगर रेंज करें तो देर विल बी मोर डेथ्स एट एज 60, 70, 80, 90, 100. हाँ, मतलब जो इंसान 100 ईयर्स का हो गया उसका मरने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. तो इसीलिए आर डेथ्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड towards the later part of the data. तो ये कैसा बनेगा, जो 0, 1, 10 ये सब पॉइंट्स होगा इसमें बहुत कम डॉट्स होगा. कुछ ऐसा डॉट प्लॉट बनेगा हम लोग का. तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे लॉप साइडेड बन जा रहा है कि जो राइट हैंड साइड है हम लोग का उस तरफ ज्यादा है डेटा पॉइंट्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे कि अभी मेरे माइंड में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है कि अगर कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, 10 मार्क्स का, मैक्सिमम पीपल फेल्ड इन द एग्जाम, तो देयर विल बी मोर डेटा पॉइंट्स एट 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे हम लोग के पास ज्यादा डेटा पॉइंट्स रहेंगे. बहुत ही कम लोग हो सकते हैं, सिर्फ एक या दो जन हो जिनको 10 on 10 मिला हो, या जिनको 7 on 10 या 8 on 10 मिला हो. Who have done well, since हम लोग बोल रहे हैं कि maximum people failed, it means कि इस साइड में हम लोग का ज्यादा डेटा रहेगा एंड इस साइड में कम रहेगा, करेक्ट? तो हम लोग का जो डॉट प्लॉट बनेगा ऐसा कुछ बनेगा. तो ये भी लॉप साइडेड है लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में लॉप साइडेड है. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लॉपसाइडेड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड. ओके, अब देखो हाउ डू वी रिलेट दिस स्क्यूनेस टू मीन, मीडियन एंड मोड. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर डेटा सिमेट्रिकल है तो मैक्सिमम डेटा इस पॉइंट पे, ये वाला वैल्यू पे मोड होगा हम लोग का. अगर हम लोग का डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो ये मोड होगा हम लोग का. और अगर हम लोग का डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है ये मोड होगा. पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में हमेशा ऑर्डर इज मोड सबसे छोटा होता है, मीडियन उसके बाद होता है, एंड मीन इज उससे भी छोटा, इससे भी बड़ा. तो क्या होगा, फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा मोड इज लेस देन मीडियन, इज लेस देन मीन. यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल के लिए मोड, मीडियन और मीन तीनों इक्वल होगा, एंड नेगेटिवली स्क्यूड के लिए एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑर्डर होगा. ठीक है.
यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? तो बस क्यूनेस में आप लोग को बस इतना ही देखना है, इतना ही याद रखना है कि कौन सा डेटा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा सिमेट्रिकल होगा, बेस्ड ऑन मीन मीडियन मोड का क्या वैल्यूज है। ओके, कोई डाउट कुछ भी? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय बाय।